काली सास और गोरी बहू पार्ट वन। एक गांव में कस्तूरी नाम की औरत रहती थी। कस्तूरी बहुत भली थी। उनके पति का नाम था वासुदेव और बेटा चंद्रा। बाप बेटे दोनों कस्तूरी से बहुत प्यार करते थे। वो तीनों हमेशा हंसी खुशी रहते थे। उसी गांव के पास वाले गांव में सुंदरी नाम की औरत रहती थी। सुंदरी के नाम में ही सुंदरता नहीं, उसके रूप में भी सुंदरता था। देखने में बड़ी खूबसूरत थी। सुंदरी को अपनी खूबसूरती बहुत पसंद थी। जब देखो वो आईने के सामने बैठ जाती और अपनी खूबसूरती को आईने में देखकर निहारती रहती थी। इसी तरह एक दिन आईने के सामने बैठकर अपने आप को देखते हुए, अरे वाह, तू इतनी खूबसूरत कैसे पैदा हो गई? अगर कंपटीशन में जाती तो तुम मिस इंडिया बन जाती, लेकिन यहाँ इस तरह मिस मैच कपड़े पहनकर बैठी हुई है। तेरी ना किस्मत ही खराब है। छी, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पूरी दुनिया तेरी खूबसूरती के बारे में ही चर्चा करेगी। इस तरह वो देख रही थी कि इतने में बाहर से कहीं से एक बॉल आता है और वो शीशे में लग जाता है और उसका आईना चकनाचूर हो जाता है। टूटे हुए आईना के टुकड़ों में उसका चेहरा एकदम बदसूरत लगता है। तभी वहाँ बैठी हुई उसकी सहेली कविता अब देख अपनी खूबसूरती, कितनी खूबसूरत लग रही है ना तू। आजो चांगोए, सुबह होते ही आकर बैठ जाती है आईने के सामने महारानी और अपनी खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधने लगती है। तेरी खूबसूरती से डरकर आईना भी चकनाचूर हो गया। इस तरह बोल रही थी तो सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर, तुम सबको मेरी खूबसूरती देख कर जलन होती है ना कि तुम लोग मेरी तरह खूबसूरत नहीं हो। तुम जैसी सड़े हुए चेहरों को खूबसूरत बोलेगा क्या कोई? क्या कहा? मेरा चेहरा सड़ गया? वो भी बताती हूँ। इस तरह दोनों एक दूसरे को मारने लगे। तब कविता बोली अच्छा चल बस कर, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तेरा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया, चल जा यहाँ से। इस तरह बोलकर उसे भगा देती है। सुंदरी हॉल में आती है। वही हॉल में बैठा हुआ सुंदरी का पिता रंगारा, क्या हुआ बेटी, क्या बात है? पिताजी, आप मुझे मिस इंडिया कंपटीशन में भेजो ना, यहाँ किसी को भी मेरी खूबसूरती की कदर नहीं। ठीक है बेटी, जरूर भेजूंगा। क्या आप सच बोल रहे हो? जरूर भेजूंगा, लेकिन मिस इंडिया कंपटीशन के लिए नहीं, शादी करवा के ससुराल भेजूंगा। शादी? मुझे शादी नहीं करनी, मैं मिस इंडिया बनना चाहती हूँ। पहले तू शादी करके मिसेस बन जा, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इधर उधर मत चली जाना। इस तरह पिताजी ने कहा। ये बात सुनकर सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। इधर सुंदरी का बेटा चंद्रा सुबह सुबह उठकर बाहर अपना बाइक साफ कर रहा था। तभी वहाँ से जा रहा मोहन नाम का आदमी चंद्रा को देख कर बोला, अरे बेटा क्या कर रहे हो आजकल? तुम्हारी इंजीनियरिंग खत्म होकर तो 2 साल हो गए ना, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? तब रोज रोज सुबह उठकर अपनी गाड़ी साफ करनी नहीं पड़ेगी। इस तरह वो आदमी बोल रहा था। ये बात सुनकर चंद्रा को बहुत गुस्सा आता है। अरे आपसे किसने कहा कि मैं खाली बैठा हूँ घर पे? मैं ये गाड़ी साफ करने के बहाने, वो देखिए वहाँ आपकी बेटी खड़ी है ना, उसे मैं लाइन मार रहा हूँ, आज नहीं तो कल जरूर पट जाएगी। इस तरह उसने कहा। ये बात सुनते ही मोहन दंग रह गया। उसने उल्टा कोई भी बात नहीं बोली और तुरंत वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही चंद्रा का पिता आकर बोला, क्या बात है बेटा, क्या तकलीफ थी उसे? वो बोल रहा था कि मैं घर पे खाली बैठा हूँ, कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता। लेकिन बेटा पूरे गांव की नजर तुझ पर ही बनी है बेटा, बोल रहे हैं कि खा पी कर खाली घूम रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी खराब हो रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो पिताजी? बेटा कोई नौकरी ढूंढ ले, तेरी भी हम शादी करा दे तो हमारा बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप मेरी शादी करा दोगे, इसीलिए मैं नौकरी नहीं ढूंढ रहा। इस तरह उसने कहा। ये बात सुनकर वासुदेव दंग रह गया। ये क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ पिताजी, मेरी शादी हो गई तो मैं नहीं जानता कि वो लड़की कैसी होगी, पता नहीं वो आप दोनों का कैसा ख्याल रखेगी। आते ही अगर उसने मुझे अलग ले जाने की बात की तो आपको छोड़कर मैं कैसे जी पाऊंगा। ये बात सुनकर वासुदेव और तभी घर से बाहर निकल रही कस्तूरी धीमे धीमे मुस्कुराते हुए
अगला कहीं का उल्टा सीधा सोचकर क्या शादी नहीं करेगा तू? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। तुम शादी के लिए हाँ कर दो। तुम्हारे लिए पिताजी ने एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढ रखी है। कल जाकर लड़की को दिखाएंगे। आपने लड़की भी ढूंढ ली? कब माँ? पड़ोस के गांव में रंगाराव भाई साहब की बेटी है, सुंदरी। बहुत भली लड़की है। तुम दोनों की शादी करवाने के बारे में हम कब से सोच रहे थे। क्या वो खूबसूरती की पगली? अरे माँ, क्यों तकलीफों को अपने घर लाना चाहती हो? अरे अरे, ये कैसे बोल रहे हो? वो लड़की बहुत अच्छी है। कल सब लोग मिलकर जा रहे हैं और किसी भी तरह रिश्ता पक्का करके ही आएंगे। इस तरह बोलकर घर के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही चंद्रा बोला, हे भगवान, मेरी तकलीफें शुरू। इस तरह सोचने लगा। अगले दिन सुबह तीनों मिलकर सुंदरी के घर आते हैं। रंगाराव उन तीनों का स्वागत करके अपने घर ले जाकर बैठाता है। यात्रा कैसी रही? हम लोग क्या पाकिस्तान से आए हैं? पास वाले गांव से ही तो आए हैं। यात्रा अच्छी थी, इस तरह उसने कहा। ये बात सुनकर रंगाराव दंग रह गया। लगता है लड़का मजाक बहुत अच्छा कर लेता है। हाँ भाई साहब, हमेशा हंसता है और दूसरों को भी हंसाता रहता है। किसी का दुख सामने वाले को क्या समझ में आता है क्या? क्या बात है बेटा, कुछ कहा क्या? हम सुन नहीं सके। अरे अरे, कुछ नहीं बेटा, जरा जल्दी में है, लड़की को जल्दी देखना चाहता है। लड़की को बुलवा लीजिए। हाँ हाँ, अभी बुला देता हूँ। अपनी पत्नी सुशीला को बुलाते हुए बोला, सुशीला बिटिया को ले आओ। इस तरह जोर से चिल्लाता है। सुशीला लड़की को लेकर बाहर आती है। सुंदरी बाहर आकर उन तीनों को चाय देकर सामने बैठ जाती है। अगर आपको लड़की से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, टाइम क्या हुआ है? ये बात सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। वासुदेव अपने बेटे की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, कुछ पूछने का मतलब टाइम पूछना नहीं है बेवकूफ। भाभी, भाई साहब, लड़की हमें बहुत पसंद है, आप तुरंत रिश्ता पक्का कर दीजिए और अच्छा सा मुहूर्त ढूंढ लीजिए, इस तरह उसने कहा। ये बात सुनते ही सुंदरी और चंदू दोनों दंग रह जाते हैं। जैसा रंगाराव ने कहा, तुरंत अच्छा सा मुहूर्त ढूंढ लिया गया। सुंदरी ने शादी करके ससुराल में कदम रखा। एक दिन जब सुंदरी रसोई घर में काम कर रही थी तो सास कस्तूरी आकर रसोई घर के सामने खड़े होकर देखने लगी। उसने देखा कि सुंदरी रसोई घर में रखे सारे बर्तनों में अपना चेहरा देखकर अपनी बिंदी और अपने कान की बालियां ठीक कर रही थी। तब कस्तूरी ने कहा, बेटी सुंदरी, क्या कर रही हो? इस बर्तन पर अपनी खूबसूरती देख रही थी सासू माँ। ये बात सुनते ही कस्तूरी एकदम दंग रह जाती है। वही खड़ा चंदू अपनी माँ से बोलता है, मैंने तो पहले ही कहा था यह अपनी खूबसूरती के पीछे पागल है, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। जब से आई है आईने के सामने ही अटकी हुई है, मेरी तो बिल्कुल फिकर ही नहीं है उसे। इस तरह वो बोल रहा था तो कस्तूरी बोली, अच्छा, चार दिनों में ही ये रंग है तो आगे आगे पता नहीं कैसा होगा। माँ, मुझे डरा मत, इस तरह उसने जोर से कहा। ये बात सुनकर सुंदरी बोली, क्या कहा, आपको डर लग रहा है? कोई बात नहीं, आप रोज मेरी खूबसूरती देखा कीजिए। आपको मेरी खूबसूरती देखकर डर भूल जाओगे और बहुत शांत हो जाओगे, सुंदरी ने कहा। ये बात सुनकर माँ बेटा दोनों दंग रह गए। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।